तो जय हिंद, सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि सब ठीक होंगे। फिर आपका भाई, आपका दोस्त हाजिर आज एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग कई दिन से देख रहे होंगे कि मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि महामारी कितना फैली है और COVID-19 का क्या हाल है और देश का क्या हाल कर रखा है, अर्थव्यवस्था का क्या हाल कर रखा है। तो उसी के बीच एक बहुत बड़ी अपडेट मिली थी नोटिफिकेशन की। कल हमारे यहाँ नोटिफिकेशन चल रहा था तो मैंने वीडियो नहीं शूट किया। जो एंटरिंग बैन होता है, जो मतलब जो रेलवे में कन्वर्ट होता है, वो काम कर रहा था तो मुझे वो वीडियो शूट करनी थी, लेकिन मैंने शूट नहीं किया। लेकिन मैंने कहा शूट करूँगा, उससे आप लोगों को अपडेट दूंगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो हमारे यहाँ जो नोटिफिकेशन है, वायर का काम किया जा रहा है, क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर आप अकबरपुर साइड से आएंगे अगर कचहरी तक, तो इधर कचहरी के बीच आसपास जो इलेक्ट्रिक बैन है वो चल रही है और वायरिंग का काम वो कर रही है। तो वीडियो तो मैंने नहीं शूट किया क्योंकि आपको पता है कि महामारी फैला हुआ है और कितना दिक्कतें हो रही हैं हमारे देश को और हमारा देश कितना झेल रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना आज अपनों के बीच ये जानकारी दिया जाए, हो सके आप लोगों को अच्छा लगेगा। और हो सके अगर जिस दिन वायरिंग का काम चलता है, अगर होता है, तो हो सके मैं वहाँ पर जाकर खुद वीडियो शूट करूँगा और आप लोगों को जानकारी, अच्छी से अच्छी जानकारी मैं दूंगा। तो यही है कि जो हमारे अयोध्या रेलखंड में वायरिंग का काम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है, और रहा दोहरीकरण, तो दोहरीकरण का भी उतना विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अगर बहुत काम ठप पड़ा हुआ है और अयोध्या रेलखंड में हमारे यहाँ कचहरी के बीच वायरिंग जो फंसती है, जो बैन, वो सुबह शाम सुबह भी जा रही थी और शाम को वहाँ से वो काम करके वापस आती है, उस पर देखते हैं जो कर्मचारी होते हैं वो भी रहते हैं। तो यही है कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, वो वायरिंग का काम हमारे यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है और हो सके तो बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और अगर जिस दिन वायरिंग का काम चलता है तो मैं हो सके मौका निकाल कर तुम लोगों को वीडियो बनाने के पूरा प्रयास करूँगा और मैं वीडियो दिखाऊँगा कि किस तरह हमारे यहाँ वायरिंग का काम किया जा रहा है। तो मैं आज जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं घर ही पर ही शूट कर रहा हूँ, मैं बाहर नहीं जा पाया, तो सुविधा के लिए खेद है। और बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, तो अब बताना कि मेरी आवाज़ आज सही से आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है। तो मैं यही वीडियो लेकर आया था कि जो हमारे यहाँ एक्टिफिकेशन जो है अयोध्या रेलखंड में, वो एक्टिंग बैन जो होता है, जुड़ा रहता है उस पर कुछ लेबर्स और तार वार उस पर मतलब रखकर लेकर जाते हैं रोज और आते हैं। इसका मतलब कि उधर वायरिंग का काम हो रहा है, मैं उधर तो नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मेरे एरिया में होता है, जिस दिन पूरा, तो मैं उस दिन आप लोगों को मैं वीडियो बनाऊंगा और हो सके तो मैं आप लोगों को मैं पूरे अच्छे से अच्छे में बनाकर वीडियो आपको दूंगा, जिससे आपको और थोड़ा सही लगेगा। क्योंकि तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपडेट आप लोगों को ऐसे ही दे दिया जाए, तो मैं वहाँ पर तो नहीं गया, लेकिन मैंने सोचा ऐसे अगर आप लोगों को बता दिया जाए तो सही रहेगा। और आप लोग देख ही रहे हैं, तो कोशिश करिए कि अगर आप ज़्यादा बाहर बाहर ना निकलिए और मास्क वास्क का हरदम उपयोग करिए। और आप देख रहे हैं जो कोरोना इस समय हो रहा है, वो तो जल्दी किसी को छोड़ नहीं रहा है, 2 दिन में उसका डेथ हो जा रहा है, वो मर जा रहा है। तो कृपया करके अगर जो लोग यहाँ पर हैं, सेफ्टी से रहें, और एक रेल फैन होने के नाते मैं आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि आप जहाँ भी रहें सेफ्टी से रहें और अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो यही था कि मैं जो एक्टिफिकेशन था, मैं आप अपडेट लेकर आया था। तो जहाँ तक हो आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो यही था। और घर में पता है आपको किस शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, शूट करने में तो नहीं हो पाता शूट, लेकिन तब भी मैंने, बैकग्राउंड अच्छा नहीं आता पीछे का, आप देख सकते हैं उतना अच्छा घर नहीं है, तो